पॉइंट का तीन सेट, एक अच्छा अच्छा 25 का एक सेट तब्दीली किया गया मेरे हितों का सर्विस पटना के तरफ से, और वाइट गेंद चली गई एक अंक, खाता खुलेगा ग्वालियर का 9 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा, राउंड हेड सर्विस हल्का सा जंप 11 नंबर के लिए, और माइनस गेंद पर प्रहार किया लेकिन अंपायर का निर्णय ग्वालियर एक, पुनः सर्विस बढ़िया पंच किया है, ब्लॉक को तोड़ने के बाद गेंद जो है दर्शक दीर्घा में पहुंची, ग्वालियर दो खिलाड़ी 5 फुट 5 इंच का हल्की सी जंप, और ये है 14 नंबर के खिलाड़ी अटैक किए, एक अंक मिलेगा चेकआउट, और पटना दो ग्वालियर दो, बिल्कुल सभी नपी तुली सर्विस, और मिडिल स्पाइकर के द्वारा 2 नंबर के द्वारा सिकेंड जोन के ठीक पट्टी के साइड में गेंद को टपकाने का काम किया जो है ग्वालियर के तरफ से, हल्का प्रहार घात प्रतिघात रैली जारी, वहां पर पंच करने की कोशिश लेकिन ब्लॉक और छुट्टा जिसको बोलते हैं, ओपन था थर्ड लाइन से आकर गेंद मारना चाहते थे लेकिन, और ये देखिए एक अंक मिलेगा, तीन तीन प्रयास जारी है, और देखिए डबल टच पे आए गेंद को वहीं पर ड्राफ्ट किया, बहुत जोर नहीं लगाया केवल गेंद को दिशा देने का काम किया, 4-3 ग्वालियर 4 पटना 3, अब 4-4 तू डाल बड़ा, फिलहाल पटना 4 ग्वालियर 4, थर्ड जोन की सर्विस कलेक्ट किया गया, चेक आउट एक अंक 5-4 पटना की तरफ से 4 जबकि ग्वालियर के तरफ से 5, प्रहार करना चाहते थे गेंद जाल का सहारा लेते हुए ब्लॉक पिक के बाद रगड़ती हुई एंटीना के बाहर गई, 14 नंबर के खिलाड़ी पटना के तरफ से देख रहे हैं बढ़िया जंप सर्विस, छोटी गेंद के मास्टर हैं ये लेकिन उसके प्रिंसिपल उधर तैयार बैठे थे, और एक पॉइंट मिलेगा एक अंक मिलेगा, धीरे धीरे रन जो है अंकों की संख्या अब 6 ग्वालियर 6 पटना 5, पंच और साफ सुथरी गेंद लेकिन उससे पहले निर्णायक महोदय का निर्णय पटना के पक्ष में, 6-6 3-4 4-5 5 अब 6-6 की स्थिति है, यह स्थिति कहां तक जाएगी कुछ कहना मुश्किल, फिलहाल ग्वालियर पर हम बनाते हुए 7-6 ग्वालियर 7 पर सर्विस, बिल्कुल नपी सभी एकदम तुली हुई सर्विस, और सेकेंड जोन में कलेक्ट किया है लेकिन एक अंक मिलेगा, अब 7-7 बिल्कुल सबका साथ सबका विकास का नारा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं, और उसको यहां पर चर्चा करती हुई पटना वर्सेज ग्वालियर 7-7 और नियंत्रण नहीं रख पाए, आज का मुकाबला 7 के लिए और झप्पा डालने की कोशिश लेकिन चौकन्ने खिलाड़ी पुनः ड्राफ्ट डाला गया, ग्वालियर के तरफ से एक अंक मिलेगा, पहली बार ग्वालियर 2 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाब पटना के खिलाफ, इसी बीच अंपायर के भिसिल के साथ हल्का सा जो है सेवा और अटैक किया है सेकेंड जोन में, बहुत 12 यार्ड बैक जोन में फेंकने का काम किया है लेकिन उतना ही चौकन्ना खिलाड़ी झमक के मारना चाहते थे लेकिन झमक नहीं पाए, और चमकने का काम किया है फिलहाल 5 नंबर के खिलाड़ी, 7 नंबर के हाथ में पुनः गेंद पटना के खेमे में गेंद,
मौका है ग्वालियर के पास और इस मौके का कितना फायदा मिलेगा पटना को मिला एक अंक 9-12 के लिए पटना की सेवा ग्वालियर के लिए। थर्ड जोन से गेंद को कलेक्ट करने की भरपूर कोशिश अपेक्षा किया और कार्नर में गेंद जो है पहुंचाने का काम किया पटना। दहाई का आंकड़ा छूटा हुआ धीरे धीरे पटना घटना करने की स्थिति में पहुंच चुका है। पटना 10-12 समय के लिए ग्राउंड परिवर्तन एक सेट का मुकाबला 25 अंकों का निर्देशित कर रहे हैं भाई। आपका साथ दे रहे हैं बड़े भाई श्री चंद्रधर जी ग्राम सभा मेढ़ान और 10 की स्थिति में पटना जाल का सहारा लेती हुई गेंद लेकिन रैली को जिंदा रखा गया है अभी भी ग्वालियर के खेमे में और एक अंक मिलेगा 11 पटना 11 ग्वालियर 13। 14 नंबर का उम्दा खिलाड़ी जंप सर्विस बिल्कुल हल्का सा जंप झप्पा डालने की कोशिश पुश किया और पुट आउट कराने की कोशिश में एक अंक मिलेगा। डायल करने की कोशिश थी लंबी गेंद को लेकिन डायल नहीं कर पाया पुट आउट करने में कामयाब 14-11 और ये नियंत्रण खो दिए हैं 14 नंबर के खिलाड़ी। 15-11 ग्वालियर 15 जबकि पटना 11 और देखिए तालमेल का पूरा पूरा अभाव और उसका 5 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा धीरे से सर्विस राउंड हैंड केवल नाम भर की सर्विस की जा रही है 14 नंबर का खिलाड़ी दीवान जिसके जर्सी आजमगढ़ कैप्टन ध्यान दें कृपया ध्यान दें DLW एकेडमी वर्सेज आजमगढ़ तैयार रहेंगे और आपका भी मैच मात्र 25 अंक का एक से और लिखिए भाई क्या इधर अंक 11 अच्छा स्कोर बोर्ड पे 15 की सेवा 18 के लिए फिलहाल पटना की सेवा ग्वालियर के लिए और एक अंक जोन में बिल्कुल रिसीवर के पास मौका नहीं था उनको रिसीव करने का। बैक से गेंद को कलेक्ट किया जा रहा है लेकिन ड्राफ्ट डाला गया रैली जिंदा थी अब जाके डाउन हुआ है गेंद धीरे धीरे स्थिति 22-17 दिमाग दीवार को तोड़ नहीं पाए ब्लॉक को छेद नहीं पाए लेकिन आउट जरूर मार दिए हैं नियंत्रण नहीं रख पाए गेंद के लय को नहीं भाप पाए हवा में जरूर आए थे लेकिन और नव होप बाल रह गई। बढ़िया प्रदर्शन दीवान का एकांक 18-23 मौका है ग्वालियर को एक बार पुनः गेंद कलेक्ट करने का और कलेक्ट भी किया बैक साइड से गेंद और टप्पा गेंद लेकिन सेकेंड जोन में गिनी है गेंद अटैक लाइन से थोड़ा सा बाहर हो गई नहीं तो 200 रुपए आपके खाते में चला जाता और आप उससे वंचित रहेंगे। प्रयास करिए असफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं। गेंद बॉल और इसी तरह से समाप्ति और भाई तैयार रहिए आप तुरंत ग्राउंड में पहुंचिए जो है DLW एकेडमी और वर्सेज आजमगढ़ DL